हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हरी धनिया खाने के कौन से फ़ायदे होते हैं। हरी धनिया का प्रयोग अधिकतर सलाद और सब्जियों के स्वाद के लिए किया जाता है। वहीं हरी धनिया की चटनी पकौड़े के स्वाद को दो गुना कर देती है। लेकिन इसी के साथ धनिया पत्तियों के कई फ़ायदे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि हरी धनिया खाने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। धनिया का यूज हम गर्मी ठंडी हर महीने में कर सकते हैं। धनिया में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हरी धनिया हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और यह हमारी पाचन शक्ति को ठीक रखने का भी कार्य करता है। डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है हरी धनिया। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए रामबाण का काम करता है। हरी धनिया की तासीर गर्म होती है। धनिया के पत्ती का इस्तेमाल करने से पेट संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। बदहजमी, पेट दर्द और गैस की समस्या से छुटकारा मिलता है। जाड़े में खाने की मात्रा अधिक होने पर पेट में दर्द और ऐंठन की शिकायत होती है। ऐसे में हरी धनिया की चटनी व सलाद पेट को काफ़ी राहत दिलाता है। धनिया के नियमित सेवन से जुखाम और खांसी से छुटकारा मिलता है। धनिया के नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोकते हैं। यह खून में इंसुलिन की मात्रा को नियमित करता है। धनिया महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी समस्याओं को दूर करता है और अगर पीरियड साधारण से ज़्यादा हो तो आधा लीटर पानी में 5 से 6 ग्राम धनिया के बीज डालकर उसे उबालें और उसके बाद उसमें चीनी डालकर पिए, जिससे यह आपको राहत दिलाएगा। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन सी और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो मुँह के घाव को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक के गुण मुंह के घाव को भरने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। धनिया में मौजूद कई तरह के तत्व हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप रोज़ाना सुबह धनिया का पानी पीते हैं तो इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सकता है। धनिया का पानी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होता है क्योंकि धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या को कम करते हैं, संक्रमण और कई अन्य बीमारियों से बचाने और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का कार्य करते हैं।